दोस्तों, आज हम जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे देख पा रहे हैं, वो सब वैज्ञानिकों की मेहरबानी है। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी रहे जिससे दुनिया खत्म होने से बची है। लेकिन अगर वैज्ञानिक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो आज हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती। सभी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट इतनी लगन से करते हैं कि कभी कभी कुछ वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंट करते दौरान अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों द्वारा किए गए जिससे दुनिया खत्म होने से बाल बाल बची है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो जानते हैं कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट है जिससे दुनिया खत्म होने से बाल बाल बची। नंबर वन, स्टारफिश प्राइम एक्सपेरिमेंट। 9 जुलाई 1962 में अमेरिका ने स्पेस में हाई एल्टीट्यूड पर परमाणु परीक्षण किया। आपको बताना चाहूंगा कि स्पेस में ये पहला और सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण था। इस एक्सपेरिमेंट के धमाके से स्पेस में रेडिएशन फैल गया, जिसके कारण स्पेस में चक्कर लगा रहे कई सैटेलाइट खराब हो गए और कई सैटेलाइट खराब होने के कगार पे आ गए। इस एक्सपेरिमेंट में कई वैज्ञानिकों को ये डर था कि अगर ये परमाणु परीक्षण अगर धरती के एटमॉस्फेयर में हो जाता तो ये बहुत खतरनाक होता। इसके कारण हमारे वायुमंडल में रेडिएशन फैल जाता, जिसकी वजह से धरती पर जीवन खतरे में आ सकता था। यहाँ तक कि अगर ये विस्फोट पृथ्वी के वायुमंडल में होता तो धरती का कवच ओजोन लेयर ही पूरी तरह से खत्म हो जाता। आपको बता दूं कि ओजोन लेयर सूरज से आने वाली यूवी रेज से धरती में जीवन की रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाता तो सूरज की यूवी रेज धरती पर सब कुछ जला देती, जिससे धरती पर से जीवन का नामो निशान ही मिट जाता। नंबर दो, कोला सुपर डीप बोर होल। 1970 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों द्वारा धरती की गहराई में छुपे रहस्य जानने के लिए पृथ्वी पर एक गड्ढा करने की सोची। वैज्ञानिकों ने 24 सालों तक इस गड्ढे को खोदते रहे और 1994 में इस खुदाई को रोकना पड़ा। इस गड्ढे को खोदते खोदते वैज्ञानिक धरती के 12 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए थे और वहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। खुदाई रोकने के दो कारण थे। पहला कारण ये था कि और आगे खुदाई करने पर कहीं धरती का संतुलन नहीं बिगड़ जाए, अगर ऐसा होता तो भयंकर भूकंप आते जो सब कुछ ही नष्ट कर देते हैं। दूसरा कारण ये था कि खुदाई का औजार इतनी गहराई पर खुदाई नहीं कर पा रहा था। अगर और ज्यादा गहराई में खुदाई होती तो औजार ही पिघल जाते। लेकिन ये वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया दुनिया का सबसे गहराई वाला गड्ढा बना। नंबर तीन, ट्रिनिटी टेस्ट। वैज्ञानिकों ने पहला परमाणु बम बनाया था जिसका परीक्षण किया जाना था। परीक्षण से पहले ही वैज्ञानिक काफी डरे हुए थे। कारण ये था कि कई परमाणु बम हमारे वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन गैस के साथ फ्यूज होकर कहीं चेयर रिएक्शन न बना ले। अगर ऐसा होता तो ये बम इंसानियत को ही धरती से मिटा सकता था और इसी कारण से इस प्रोजेक्ट को डिले करते गए। लेकिन आखिरकार इस प्रोजेक्ट को और डिले ना करते हुए 16 जुलाई 1945 को इसका परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से कुछ रिएक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इसके धमाके ने आसपास के इलाके को बहुत ज्यादा रोशन और गर्म कर दिया था और इस धमाके के झटके काफी दूर तक महसूस किए गए। नंबर चार, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर स्विट्जरलैंड में मौजूद एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इस कोलाइडर में दो पार्टिकल्स को लाइट के स्पीड से 99% तक एक्सेलरेट करा के उन दोनों पार्टिकल्स की आपस में टक्कर कराई जाती है, जिसके वजह से कई विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स निकलते हैं जिसका वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया जाना था तब वैज्ञानिकों के मन में एक डर था कि अगर इतनी ऊर्जा से दो पार्टिकल्स आपस में टकराए और इस टक्कर में कहीं कोई छोटा ब्लैक होल ना उत्पन्न हो जाए और आसपास की चीजों को खाकर बड़ा ना बन जाए और अंत में पूरी पृथ्वी को ही ना निकल जाए। लेकिन हॉकिंग रेडियंस का शुक्रिया, क्योंकि हॉकिंस रेडियंस की वजह से ब्लैक होल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर इस परीक्षण में कोई छोटा ब्लैक होल बन भी जाता तो हॉकिंग रेडिएशन उसे तुरंत खत्म कर देता। लेकिन दोस्तों, ये सही हुआ कि इन परीक्षण में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।